हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली नई से नई वीडियोस को देख सकें। पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्डिनो यूनो, आर्डिनो नैनो के बारे में बताया था। ये आर्डिनो यूनो है, ये आर्डिनो नैनो, इनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम आर्डिनो मेगा 2560 के बारे में बताऊंगा। ये आर्डिनो मेगा, इन आर्डिनो का एक वर्जन आर्डिनो मेगा है। ये इसका यूएसबी कनेक्टर है, ये इसका पावर जैक है, डीसी पावर जैक। ये इसकी सारी पिन्स हैं। ये इसका कंट्रोलर है जो एटमेगा 2560 है। ये इसका क्रिस्टल लगा हुआ है। ये इसका 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वाला जो है। ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है। ये इसकी चिप लगी हुई है, कम्युनिकेशन चिप, जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग होती है। ये इसका ICSP हेडर लगा हुआ है जिसके थ्रू भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये इसका रीसेट बटन है, रीसेट बटन्स। ये इसकी बैक है। आर्डिनो मेगा 2560 में 54 इनपुट आउटपुट्स होती हैं। ये सारी इसकी इनपुट्स आउटपुट्स, ये भी है, 54 इनपुट्स आउटपुट्स होती हैं। और इन्हीं 54 इनपुट आउटपुट्स में 15 PWM आउटपुट्स होती हैं। PWM एब्रीवेशन है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इन 54 में ही ये 15 पिंस मौजूद हैं। 16 एनालॉग्स हैं, ये सारी एनालॉग्स हैं, A0 से लेके A15 तक। ये 16 इसकी एनालॉग पिन्स हैं। 4 इसमें सीरियल कम्युनिकेशन है, ये TX0, ये TX1 आ गया और ये TX2 आ गया और ये TX3 आ गया। इसी तरह RX भी हैं, RX0, RX1, RX2 और RX3। ये इसकी सीरियल पोर्ट पिन्स हैं। ये इसमें 4 होती हैं। ये इसका I2C कम्युनिकेशन है। इसके थ्रू हम I2C कम्युनिकेशन करते हैं, टू वायर कम्युनिकेशन। ये इसका A रेफरेंस है। एनालॉग पिंस को हम अगर रेफरेंस वोल्टेज देना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू देते हैं। ये इसका ग्राउंड आ गया। ये इसका DC पावर जैक है, पहले मैंने बताया। ये इसका USB कनेक्टर, इसके थ्रू भी हम इसको पावर दे सकते हैं। इसके मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 6 से 20 वोल्ट है। इसको हम AC to DC अडाप्टर या बैटरी के थ्रू पावर दे सकते हैं। अगर इसकी पावर 5 वोल्ट से कम है तो ये अनस्टेबल होगा, यानी इसकी वर्किंग अनस्टेबल होगी, ये सही वर्क नहीं करेगा। अगर आप इसको 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट दे रहे हैं तो ये इसका रेगुलेटर है ओवर हीट होना शुरू, जिसकी वजह से आपका कंट्रोलर डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको सप्लाई 7 वोल्ट से 12 वोल्ट के दरमियान दें, ना इससे कम हो और ना इससे ज़्यादा हो। एक सबसे अच्छी बात यू इस बोर्ड में है, इसमें पॉलीफ्यूज लगा होता है,
जिसका मकसद ये होता है कि ये कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट्स को शॉर्ट और ओवर करंट होने से बचाता है। इसकी हर पिंस से जो करंट मिलता है वो 40 मिली एम्पीयर होता है। हर पिंस जो इनपुट आउटपुट के तौर पर मौजूद है उसका करंट 40 मिली एम्पीयर होता है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी इस बोर्ड के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।